धर्मस्य। परमात्मा की पहचान के 5 आधार हैं। पहला, जो सर्वधर्म मान्य हो, अर्थात जिसे सभी धर्मों के लोग स्वीकार कर सकें, और देखा जाए तो निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को ही सभी धर्मों के लोग ईश्वर के रूप में मानते आए हैं। दूसरा, जो सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ और परम हो। तीसरा, जो सदैव जन्म मरण कर्म फल और पाप पुण्य से न्यारा हो। चौथा, जो सर्वज्ञ हो, अर्थात सब कुछ जानता हो। पांचवा, जो सर्व गुणों और शक्तियों का भंडार हो। ये सभी पांचों विशेषताएं एक निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव में ही हैं। इसलिए वे एक हैं जो संपूर्ण जगत के पिता परमात्मा हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 42वें अध्याय में लिखा है, सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमात्मा का चिन्ह शिवलिंग ही है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इस संपूर्ण जगत में एक शिव ही है जो सदैव सत्य ही है, क्योंकि वो सदैव सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। 33 करोड़ देवी देवताओं के रचनाकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। त्रिमूर्ति शिव तीनों लोकों के मालिक त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी हैं। शिवलिंग पर 3 रेखाएं और 3 बेलपत्र इसी के यादगार हैं। वे निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और परम धाम यानी ब्रह्मलोक के निवासी हैं। पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। दुनिया भर में निराकार परमात्मा शिव को ही गॉड, ईश्वर, खुदा आदि नामों से पुकारा जाता है। उनका स्वरूप ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप है, इसलिए सभी धर्मों में ज्योति का उल्लेख अवश्य मिलता है। जैसे हिंदू धर्म में पूरे विश्व के सभी स्थानों पर सबसे अधिक शिवलिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह को नूरे इलाही कहते हैं, नूर अर्थात तेज, प्रकाश। ईसाई धर्म के प्रचारक जीसस ने भी परमात्मा के लिए कहा, गॉड इज लाइट। वहीं सिख धर्म में एक ओंकार निराकार कहा जाता है, अर्थात सभी धर्मों में स्पष्ट रूप से ज्योति के रूप में ही परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, और वे ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव एक ही हैं, जो सभी आत्माओं के पिता हैं।